रामगंज मंडी नगरपालिका उपाध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस का हुआ कब्जा। रामगंज मंडी नगरपालिका में उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस के रमेश मीणा निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने भाजपा के शिवराज मीणा को सीधे मुकाबले में पराजित किया। कांग्रेस के रमेश मीणा को 40 में से 24 मत मिले हैं, वहीं भाजपा के शिवराज मीणा को 16 मत मिले हैं। इससे पूर्व रविवार को पालिका अध्यक्ष के लिए कांग्रेस के देवीलाल सैनी निर्वाचित हुए थे। रामगंज मंडी नगर पालिका में अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों कांग्रेस के होंगे। यहाँ की जनता ने जो मुझे इतना बहुमत से विजय बनाया उसके लिए मैं रामगंज मंडी की जनता का आभारी हूँ और यहाँ की जनता के लिए जी जान से तन मन से मैं पूरी सेवा करूँगा। प्राथमिक कार्य क्या रहेंगे आपके? प्राथमिक कार्य जो बच्चे कार्य हैं, जो अधूरे कार्य पड़े हुए हैं और जिनकी लोगों को सख्त जरूरत है, वो काम सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से चेयरमैन के चुनाव में जीत निश्चित थी, उसी तरह से वही चेयरमैन के चुनाव में भी हमने आपको कल कहा था कि जितने मत चेयरमैन में मिले उतने ही मत हमें वाइस चेयरमैन में मिलेंगे और वाइस चेयरमैन में भी कांग्रेस की जीत निश्चित थी। आज रमेश जी मीणा गुड्डू भाई को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था, आज उनकी जीत निश्चित हुई है, ये बात हमने कल ही आपको बता दी थी। रामगंज मंडी में कांग्रेस के सुखद भविष्य की शुरुआत है। नगर पालिका से शुरुआत करिए, फरवरी में पंचायत राज पे कब्जा करेंगे और आने वाले समय में विधानसभा पे भी कब्जा करेंगे। जीत हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। हमने राज मंडी पे जो कांग्रेस का जीता के पर्चा फहराया है, सभी हमारे पार्षदगण हमारे यहाँ के निवासियों को और वोटरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पंचायत समिति में भी हम प्रधान बनाएंगे और जिला परिषद सदस्य की 5 सीट हमारे एरिया में है, ब्लॉक में है, उसको भी जीता के भेजेंगे। जो लड्डू बिक रहा था उसे आपने बांधा? हाँ बिल्कुल बांधा, सब सबकी मेहरबानी से बांधा, मेरी मेहनत थी। मुझे यहाँ आदेश दिया गया है कि आप जो यहाँ से 4 आदमी निकले उनको वापस मना के लाओ, तो मैं यहाँ आया, मेरी बात पूरी बात मानी और फिर मैं यहाँ से जयपुर रवाना हो गया। और आज हम एक हैं, पहले भी एक थे, मगर कुछ हमारे बीच में ऐसी हो गई थी तो उसमें हमने सबको समाधान कर लिया और आज हम ये जुट हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। आप लोग अध्यक्ष हैं जी, सुना लड्डू को बांधने में आपने भी की डाला था? देखो भारतीय जनता पार्टी जहाँ हम रामगंज मंडी की जनता उब चुकी थी और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन था, जनता उभरने के बाद कांग्रेस पार्टी को विश्वास किया और कांग्रेस पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जो जिताऊ और ना बिकाऊ और टिकाऊ थे और जनता ने उस पर भरोसा करके कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बिठाया। आप सलाम भाई और आप दो ग्रामीण एरिया से हो, तो आने वाले जो पंचायत चुनाव में प्रधान के प्रमुख में जी क्या रहेगा फिर? रामगंज मंडी क्षेत्र के अंदर वापस कांग्रेस की लहर है और प्रधान कांग्रेस का बैठेगा, जिला प्रमुख भी कांग्रेस का बैठेगा, उप प्रधान भी कांग्रेस का बैठेगा, उप जिला प्रमुख भी कांग्रेस का बैठेगा, क्योंकि जनता के अंदर उत्साह है कि अगर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सीटें हैं तो विकास होगा।